नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। लोकसभा चुनाव बेहद करीब आ चुका है। पार्टियां बदलने, पार्टियां तोड़ने, पार्टियां जोड़ने और पार्टियां छोड़ने का दौर एक साथ चल रहा है। और चुनाव की तैयारियों में क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, क्या क्षेत्रीय दल, क्या इंडिया, क्या एनडीए, दोनों गठबंधन लगे हुए हैं। लेकिन जिन्हें चुनाव के लिए लगना चाहिए वहां इस्तीफों का दौर चल रहा है। जिनके ऊपर लोकसभा चुनाव कराने की जिम्मेदारी है यानी चुनाव आयोग, वो चुनाव आयोग मौजूदा दौर में संकट के दौर से गुजर रहा है। लेकिन चुनाव आयोग की चर्चा हम लगातार कर ही रहे हैं। आज चर्चा करने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी में हो रही आमद की और कांग्रेस पार्टी से जा रहे लोगों की। भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ पूर्व सांसदों, शायद ही कभी चुनाव जीते हुए लोगों या एक बार भी चुनाव नहीं जीते राज्यसभा के सहारे राजनीति करने वाले लोगों को पार्टी में शामिल करा रही है, वही कांग्रेस पार्टी जनता के बीच से चुनकर आए लोगों से या तो गठबंधन कर रही है या उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करा रही है। ताजा मामला हिसार के सांसद विजेंद्र सिंह का है। और विजेंद्र सिंह सभी जानते हैं कि पहले वो कांग्रेसी परिवार से रहे हैं, भाजपा में गए और अब भी जब वो आज मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का फैसला किए तब भी लोगों को लगा कि आखिर विजेंद्र सिंह कर क्या रहे। एक तरफ जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों के सबसे सम्मानित परिवार के वारिस चौधरी चरण सिंह के पोते, वो जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बाहर जैसे ही कदम रखते हैं वैसे ही जाट वोटों का रुझान एंटी बीजेपी और एंटी मोदी होता हुआ दिखाई देता है। चाहे बात पंजाब के जट सिख की हो, चाहे बात हरियाणा के जाट की हो, चाहे बात राजस्थान के जाटों की। बात हरियाणा से ही शुरू करते हैं। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुडा सबसे बड़े जाट नेता हैं। भूपेंद्र सिंह हुडा के हाथ में अब प्रदेश कांग्रेस की कमान है, पूरी कांग्रेस उनके कंट्रोल में है। वो और उनके बेटे दीपेंद्र हुडा लगातार मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो दूसरे बड़े जाट नेता माने जाते हैं और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का जाट चेहरा माने जाते रहे विजेंद्र सिंह, वो विजेंद्र सिंह एक बार फिर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कारण क्या है? तो कारण दरअसल ये है कि चाहे किसान आंदोलन हो या महिला पहलवानों का आंदोलन हो, सभी आंदोलनों में या जाट आरक्षण का आंदोलन हो, सभी में जाट समाज और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने दिखाई दिए। और अब विजेंद्र सिंह यदि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं छोड़ते, तो जाट बहुल इलाकों में विजेंद्र सिंह को वोट मिलना तो दूर, सम्मान मिलना भी मुश्किल हो सकता था। लिहाजा मौके की नजाकत को भांपते हुए विजेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस का रुख किया। और कांग्रेस की तरफ जाने का फैसला यदि आप देखें तो विजेंद्र सिंह ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के फोल्ड से, गठबंधन के, एनडीए गठबंधन के फोल्ड से बाहर आने के लिए छटपटा रहे दुष्यंत चौटाला भी कहीं ना कहीं कभी भी उठाते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी को, जनतांत्रिक जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। ओम प्रकाश चौटाला की विरासत जब कई भागों में बटी हुई है और जाट राजनीति एक तरफा कांग्रेस के हाथों में केंद्रित होती जा रही है, तो याद रखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी एक खेल हो सकता है कि दुष्यंत चौटाला को क्यों ना गठबंधन में कोई सीट ना देकर जाटों का वोट बांटने के लिए हरियाणा की सभी 200 सीटों पर लड़ने के लिए कर दिया जाए, यह भी एक खेल हो सकता है। बीजेपी की प्लानिंग आपने देखा होगा, चाहे सहयोगी दलों को कमजोर करना हो, चाहे विपक्षी दल को कमजोर करना हो, एक कथित बी टीम लेकर बीजेपी हमेशा चलती है। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, इस पार्टी को भी कुछ लोग बीजेपी की कथित बी टीम कहते हैं। चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कई जगह ओवैसी साहब की पार्टी चुनाव लड़ने पहुंचती है। और मुस्लिम वोटों में बंटवारा होने से कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ भी मिलता है। बिहार चुनाव में आपने देखा चिराग पासवान को 2020 में किस प्रकार से इस्तेमाल किया गया और चिराग पासवान के सामने अब हालत ये हो गई है कि एनडीए गठबंधन में वो रहना तो चाहते हैं लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं। तो भरोसे की कमी जहां भी होती है, जिस किसी गठबंधन में भरोसे की कमी के साथ गठबंधन चलाने की कवायद, दल चलाने की कवायद और सामाजिक आधार बढ़ाने की कवायद, ये तीनों एक साथ जब बूम करती है तो फ्लॉप होने के खतरे भी उतने ही ज्यादा होते हैं।
हरियाणा में बीजेपी के साथ यही हो रहा है। जाट बनाम नॉन जाट कंसोलिडेशन करके वोटों का ध्रुवीकरण जाट बनाम नॉन जाट करवाने की परिस्थितियां पैदा करके मनोहर लाल खट्टर के सहारे दो बार यानी 10 साल की सरकार बनाई गई, एक बार बहुमत के बूते तो एक बार दुष्यंत चौटाला के बूते, गठबंधन के बूते, पोस्टपोन अलायंस के बूते। तो आज की तारीख में अब दुष्यंत चौटाला क्या करेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन विजेंद्र सिंह की भूमिका को यदि आप देखें तो साफ जाहिर हो जाता है कि विजेंद्र सिंह का परिवार कांग्रेस में था और कांग्रेस से लेकर तिवारी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कई बार इनके परिवार के लोगों ने अलग अलग पार्टियों का दामन थामा। ये बात जरूर है कि जाटों के एक हिस्से पर उनका असर है, लेकिन जाटों के बीच एक बड़ी मान्यता यह है कि जब पूरा समाज किसी दूसरी धारा में जा रहा हो तब उस एक हिस्से पर या छोटे हिस्से पर असर कोई विशेष मायने नहीं रखता, और उसी वजह से विजेंद्र सिंह को यह फैसला लेना पड़ा। हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी ने सांसद बनाया था, लेकिन उनकी सांसदी इस बार टिकट मिल भी जाता तो वो संसद पहुंच जाते, सांसदी बची रह जाती, ये बेहद मुश्किल था, क्योंकि हिसार की सीट पर जाटों के वोट बहुत बड़ी संख्या में, हिसार की सीट, हिसार का इलाका किसान आंदोलनों का भी गढ़ रहा है और हिसार का इलाका हरियाणा की राजनीति का एक एपिसेंटर भी माना जाता रहा है, रोहतक और हिसार, और इन दोनों के सहारे जो राजनीति हरियाणा में होती है उस राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा समीकरणों को देखते हुए, बीजेपी के अप्रोच को देखते हुए, नूह और मेवात की सांप्रदायिकता फैलाने की तमाम कोशिशें करने वाले तत्वों की विफलता को देखते हुए विजय सिंह के पास अब कोई दूसरा चारा भी नहीं बचा। भारतीय जनता पार्टी कम से कम आज के दिन उत्तर प्रदेश के बाहर जाटों का वोट लेने के बारे में सोच भी नहीं सकती। और बात यदि विजय सिंह से आगे की करें तो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण राजस्थान से खबर आ रही है। पिछली बार 2014 की बात करें तो बीजेपी ने 25 की 25 सीटें जीती, लेकिन हालात को भांपते हुए जब 2019 में अशोक गहलोत लोकसभा चुनाव के ठीक पहले चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बन गए, कांग्रेस की सरकार बन गई, तब बीजेपी ने हालात को भांपते हुए अपनी जीती हुई सीट में से एक सीट कम कर हनुमान बेनीवाल और उनकी पार्टी को दे दिया। एक मामले में बीजेपी का कोई सानी नहीं है, क्योंकि बीजेपी अपनी चुनावी सफलता के लिए कदम आगे भी बढ़ाती है तो पीछे खींचना भी जानती है। बिहार में नीतीश कुमार को फिर से गले लगा लेना, चिराग पासवान को किसी तरह रोके रखने की कोशिश करना, नवीन पटनायक से गठबंधन के लिए अंतिम समय तक प्रयास करते रहना और चंद्रबाबू नायडू को वापस ले आना, जयंत चौधरी को वापस लाने के लिए भारत रत्न तक का ऐलान कर देना उनके दादाजी चौधरी चरण सिंह के लिए। ये बीजेपी की चुनावी रणनीति में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लचीला रुख चुनाव के समय अपनाने में बीजेपी कितनी उस्ताद है। लेकिन चुनाव खत्म है तो होते ही अपना मौका निकलते ही गठबंधन सहयोगियों के साथ किस प्रकार का खेल बीजेपी खेलती है वो उद्धव ठाकरे को भी आप देख सकते हैं, 2020 में नीतीश कुमार को भी देख सकते हैं, चिराग पासवान की पार्टी टूटते हुए भी देख सकते हैं। तो इस हालात में हनुमान बेनीवाल के साथ जो विधानसभा चुनाव में हुआ 2023 के चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें गठबंधन लायक नहीं समझा। बीजेपी के साथ लोकसभा चुनाव लड़कर गठबंधन के तहत वो लोकसभा पहुंचे, और अब जो खबर आ रही है कांग्रेस पार्टी और हनुमान बेनीवाल के बीच बातचीत शुरू है। कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल वहां चूंकि जाटों के बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं, कम से कम एक जाने पहचाने चेहरे हैं, बीजेपी के अंदर इन फाइटिंग की स्थिति है, अंदरूनी संघर्ष है, वसुंधरा राजे का खेमा मौजूदा नेतृत्व के साथ सहज नहीं बताया जाता है। उस परिस्थिति में एक तरफ तो वसुंधरा खेमे के वोटों को अपनी तरफ करने की कोशिश, दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल को जहां बीजेपी ने 2019 में एक लोकसभा सीट दी थी, खबर है कि कांग्रेस पार्टी ने दो लोकसभा सीटों का ऑफर दिया है, और वो भी उस परिस्थिति में दिया है जब कांग्रेस पार्टी के पास प्रदेश अध्यक्ष के रूप में गोविंद सिंह डोटासरा जैसे जाट नेता मौजूद है। जाटों के बड़े हिस्से पर कांग्रेस पार्टी अपना दावा करती है, आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी का दावा जाटों पर है भी, बावजूद कोई कमी ना रह जाए वोटों का, एक तरफा कंसोलिडेशन, एक तरफा ध्रुवीकरण जाट वोटों का कांग्रेस के पक्ष में हो, इसके लिए हनुमान बेनीवाल को भी दो सीटें दी जा रही है तो यह मामूली नहीं। और हो सकता है कि अगले एक से दो दिनों में आपके पास पक्की और पुख्ता खबर आ जाए, औपचारिक ऐलान हो जाए
कि हनुमान बेनीवाल दो सीटें लेकर कांग्रेस के गठबंधन से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। संसद में आपने देखा होगा हनुमान बेनीवाल को, जब कुछ नौजवान दर्शक दीर्घा से धुएं जैसी कोई चीज को उड़ाते हुए सीधे सीधे सदन में कूद गए थे, उस दरमियान मार्शल की भूमिका खुद निभाते हुए भी हनुमान बेनीवाल को आपने देखा होगा, वो खुद सदन के अंदर मार्शल बन गए थे। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी वो लोकसभा चुनाव में मार्शल बन गए 2019 में। तो क्या आप कांग्रेस पार्टी को, जब भाजपा से दोगुनी सीटें उन्हें मिल रही है, एक की जगह दो मिल रही है, तो क्या जाट कौम के बीच एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल अपनी ताकत का एहसास करा पाएंगे? मत भूलिए कि जो सेंट्रल इंडिया के तीन स्टेट में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, उसमें सबसे नजदीकी मुकाबला, यूं कहें कि कांग्रेस के लिए सम्मानजनक हार कहीं हुई तो राजस्थान में हुई थी। कांग्रेस ने हार के बावजूद लगभग 70 के करीब सीटें जीत ली थी, 101 पर बहुमत होता है, और एक तिहाई से ज्यादा सीटें जीत लेना ये कांग्रेस पार्टी के लिए बुरी हार नहीं मानी जाएगी। और उस परिस्थिति में जब बीजेपी को बहुत बड़ी जीत नहीं मिली जो उन्हें 2013 में मिली थी, तो उस हालात में भारतीय जनता पार्टी के लिए हनुमान बेनीवाल का साथ छूटना, हरियाणा में विजेंद्र सिंह के परिवार का साथ छूटना, और जाट कम्युनिटी के बीच, जो उत्तर प्रदेश के बाहर के जाट समुदाय है उनके बीच बीजेपी की छवि जाट विरोधी बन जाना, ये उत्तर प्रदेश के समीकरणों को भी काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। इसलिए भी प्रभावित कर सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से ही आते हैं पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक। सतपाल मलिक के बयानों को देखें, उनके यहां सीबीआई के छापों को देखें, किसान आंदोलन को देखें, और इन सारी परिस्थितियों में जाट वोटर्स की मन स्थिति को देखें, तब समझ में आ जाएगा कि जयंत चौधरी के जाने से, और जयंत चौधरी जाने के बावजूद, याद रखिए पहला लोकसभा चुनाव है पिछले 10 लोकसभा चुनाव में जिसमें जयंत चौधरी यानी चौधरी चरण सिंह के परिवार का कोई सदस्य खुद चुनाव नहीं लड़ेगा, चुनाव लड़ाया जाएगा। जयंत चौधरी अपनी पार्टी के दो कैंडिडेट को, यहां तक कि अपनी पुश्तैनी सीट, पारंपरिक सीट बागपत से भी अपने कैंडिडेट को चुनाव लड़ाएंगे। सोच सकते हैं, जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जरूर गए हैं लेकिन बीजेपी के साथ जाने के बावजूद वो चुनाव खुद लड़ पाने का साहस जुटा पाने की स्थिति में नहीं। ये मामूली घटना नहीं है कि चरण सिंह के परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव ही न लड़े। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मलिक खाप, बालियान खाप, धनकर खाप, कुछ और दूसरे खाप, खापों के बीच जब उत्तर प्रदेश में जाट सियासत अपनी अस्मिता को लेकर बढ़ जाए और उत्तर प्रदेश के बाहर की जो जाट राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी होने लगे, तो उस परिस्थिति में बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल परिस्थितियां पैदा हो सकती है। उत्तर प्रदेश के बाहर यदि हरियाणा और राजस्थान को देखें तो वहां कोई बंगाल की परिस्थिति नहीं है कि गुजरात से आने वाले और इस देश के बड़े ही जाबाज क्रिकेटर रहे यूसुफ पठान को आज ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की बरहामपुर लोकसभा सीट से कैंडिडेट बनाने का ऐलान कर दिया। ये बंगाल नहीं है जहां सागरिका घोष एक पत्रकार राज्यसभा जाती है और ममता बनर्जी भेजती है, बंगाली अस्मिता की दिल्ली में आवाज बनाकर भेजती है। यूसुफ पठान को, एक क्रिकेटर को, उनकी पहचान को, उनकी आइडेंटिटी को बंगाल के जनमानस के बीच में एस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है, लेकिन हरियाणा स्थानीयता को प्राथमिकता देता है, लोकल की बात करता है, और जो लोकल जितना वोकल होता है वही नेता होता है। राजस्थान लोकल की बात करता है, और उन दोनों जगहों पर विजेंद्र सिंह का कांग्रेस में आना और हनुमान बेनीवाल का गठबंधन की बातचीत आगे बढ़ते रहना, ये उस तरफ इशारा करता है जिस तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले लोकसभा चुनाव की तरह कि हरियाणा और राजस्थान में सभी 35 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीत ली थी, वो 35 लोकसभा सीटें बीजेपी फिर नहीं जीत सकती है। हालात यदि कांग्रेस पार्टी ने मोमेंटम बनाया तो कांग्रेस पार्टी आधा तो जीत ही सकती है, आधा से आगे भी बढ़ सकती है, यानी 35 में 17 कांग्रेस पार्टी कम से कम जा सकती है यदि आज के हालात बने रहे तो। राजस्थान की 25, हरियाणा की 10, 35। अब 35 जीरो का स्ट्राइक रेट बीजेपी के लिए मेंटेन कर रहा हो बेहद दुश्वारियों भरा काम होने जा रहा है। तो देखते हैं इन दुश्वारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी तैयार है, और कांग्रेस पार्टी में जो नेताओं की आमद हो रही है, सिटिंग सांसदों की आमद हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिटिंग सांसद अपने साथ
पिछले 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी को भी लेकर आ रहे हैं, यह भी एक संभावना है। लेकिन जब चुनाव आर या पार का होता है तब कैंडिडेट की एंटी इनकम्बेंसी मायने नहीं रखती। तब सवाल किसानों के मुद्दे का होता है, एमएसपी की गारंटी का होता है, तब सवाल महिला अस्मिता का होता है, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसे पहलवानों के अनसन से उपजी परिस्थितियों का होता है, फिर कैंडिडेट कौन विजेंद्र सिंह है, कौन दीपेंद्र हुडा है, वो सारी चीजें हरियाणा की अस्मिता, जाट अस्मिता, सामाजिक अस्मिता, सभी खापों की अस्मिता, इन सारी चीजों के सामने फिर वो चुनाव नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हुआ तब का और नरेंद्र मोदी के विरोध में, उनकी नीतियों के विरोध में खड़ा हुआ तब का, इसके बीच जाकर के जब सिमटता हुआ दिखाई दे तब विजेंद्र सिंह जैसे लोग, इस बात की संभावना ज्यादा है कि कांग्रेस के लिए एक एसेट हो सकते हैं, बर्डन नहीं हो सकते, कांग्रेस के लिए एक पूंजी हो सकते हैं, लाभ का सौदा हो सकते हैं, हानि का सौदा नहीं हो सकते। देखते हैं कितना बड़ा लाभ का सौदा कांग्रेस ने यहां किया है। और इस बात को भी ध्यान रखिए कि सुरेश पचौरी जैसे लोगों को ले जाकर बीजेपी को भला मिल क्या रहा है, कांग्रेस को कुछ वोट तो जरूर मिल रहे हैं विजेंद्र सिंह और हनुमान बेनीवाल की संभावित एंट्री से, देखते हैं कितने वोट किसे मिलते हैं। फिलहाल तो इस पर नजर रखिए कि चुनाव कौन कराएगा, चुनाव आयोग में 3 में 2 पद खाली हो गए। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।